अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप थ्री मैथ 313 लेक्चर नंबर 4। ये है जी आपका प्रॉब्लम्स सेट 1 और ये आया जी क्वेश्चन नंबर 1 विच इज दिस वन। इसमें लिखा हुआ है इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक स्विच विथ टू पॉसिबिलिटीज ऑन ऑफ। ये तो सब जानते हैं कि दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है, इसकी तो दो है, एक स्विच की दो है। फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज फॉर फोर स्विचेज। आप कहेंगे जी ये ग्रुप थ्री का क्वेश्चन है। यकीन करें ये वही क्वेश्चन है, अगर इस तरह का आ जाए, ध्यान से सुने, अगर इस तरह का आ जाता है ना कि अगर एक सेट है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुने, एक सेट है उसमें दो एलिमेंट्स हैं तो उस पर कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। ये है ग्रुप थ्री का क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन और ये जो मैंने बोला है अभी एग्जैक्टली सेम है। ये बार बार सुनिएगा मैंने अभी क्या बोला है। हाँ, ये है कि आसानी के लिए मैं आंसर बताने लगा हूं। आंसर 16 आएगा, लेकिन कैसे आता है ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन ये आपको पता लग जाएगा। जो मैंने अभी बात की है वो मैं फिर बोल देता हूं कि एक सेट है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, दो एलिमेंट्स हैं, और उसमें उस सेट में जिसमें दो एलिमेंट्स हैं कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं, उसी तरह का सवाल ये। लेकिन ये देख लें, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जो कहते हैं जी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये देख लें, वाकई मैंने एप्लीकेशन दे दी है। और ये सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन की एप्लीकेशन है, आगे की बात नहीं की जो ग्रुप की बाकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन की एप्लीकेशन है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन वो कहता है कि जी स्टार इज अ ग्रुप, ये बाइनरी ऑपरेशन है, और वो कहता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। कहता है प्रूफ करें बी इज इक्वल टू सी। देखें ये आपने स्टेप पहले भी किया हुआ है, मैं नहीं बता रहा कहां पे किया हुआ है, क्योंकि मैं रेफरेंस जहां मैं समझता हूँ वाकई देना चाहिए वहां दे देता हूँ, और जहां मेरा ख्याल है कि आपको रिकॉल कर लेना चाहिए या पिछले लेक्चर्स आपने ध्यान से किए हैं तो वहां से आपको पता लग जाना चाहिए। अब वो कहता है कि बी इक्वल टू सी प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैं बताने लगा हूं। लेफ्ट हैंड साइड से ए इनवर्स से ऑपरेट कर दें, ए इनवर्स से, क्यों, क्योंकि वो तो ग्रुप है। जब ये ग्रुप है तो जारी बात है कि कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लॉ, ये तो आप बुक से देखें, ये मैं नहीं बता रहा। अब यहां डिटेल नहीं दी कि ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कि उसमें एक इक्वेशन होल्ड कर रही है, क्या ये प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट कर दीजिएगा, और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगा के आइडेंटिटी एलिमेंट यूज करके ये बात बन जाएगी। नेम क्या इसका, ये जरा बुक से खंगालें, बुक आपके पास मौजूद है, ठीक है जी, जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो है, दूसरे भी देखें ये कौन सा हो सकता है, जहां से भी देख सकते हैं, लेकिन वो बुक जो है मैंने वेबसाइट होती हुई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो बुक में से देख सकते हैं। अब आया जी क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1। देखें ये तो हर किसी से हो जाने की है, 1 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, ये आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जो आप 0 करेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। आयोटा होता है अंडर रूट माइनस 1। आप कहेंगे सर आपने खुद ही कर दिया, ये तो मैंने खुद ही कर दिया, लेकिन आगे आपने करना है, आगे आपने करना है। वो कह रहा है प्रूव दैट द सेट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आपने बकायदा प्रूव करना है कि इसके देखें चार रूट्स आते हैं, प्लस वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, आपने प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप बनाते हैं। और बात यहां तक खत्म नहीं हुई, अभी आगे जा रही है। आपने एक ग्रुप टेबल बनाना है इस केस में, कैसे बनेगा, जैसे आपने पहले भी देखा था, मैंने एक लेक्चर में किया हुआ था, यहां पर स्टार लिखा था, इस केस में स्टार जो है मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है। इधर लिखे हैं वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, यहां भी लिखे हैं वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, और फिर आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी यहां पे एंट्रीज आती हैं वो बनेगा जी ग्रुप टेबल। आगे वो कहता है इस दिस ग्रुप एबिलियन। देखें यहां पे तो जिक्र नहीं हुआ अभी तक एबिलियन ग्रुप का, वो अगले लेक्चर में है, लेकिन एबिलियन ग्रुप होता है जो कॉमोडेटिव हो। कॉमोडेटिव का तो पता है ना कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। देख लीजिएगा क्या ये ग्रुप एबिलियन है, क्या बाइनरी ऑपरेशन कॉमोडेटिव है, तो फिर हो जाएगा, वो चीज आपको टेबल से भी नजर आ जाएगी। बहरहाल अब आगे चलते हैं। अब आया जी क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है जी स्टार आपके पास ग्रुप है तो प्रूफ करें एक्स इनवर्स का इनवर्स एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ये देखें इस तरह की चीजें आपने लीनियर अलजेब्रे में भी की है। आपने कहा था एक मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स का इनवर्स होगा वो खुद मैट्रिक्स होगी। आपने कहा था एक मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद ही मैट्रिक्स होती है। तो ये तो पंजाबी में भी कहते हैं ना, दो जुतियां मारो ठीक हो जाएगा, ये वही वाली बात हो रही है। देखिए इसमें तो आपको वैसे ही नजर आ जाना चाहिए कि ये क्यों कह रहा है। जब मैंने कहा था जी कि x स्टार y इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ध्यान से सुने, जब मैंने कहा था x स्टार y इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो मैंने कहा था x और y दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं।
यानी कि y इज द इनवर्स ऑफ x, तो y को लिखा था x इनवर्स, तो जाहिर बात है x इनवर्स भी तो x का इनवर्स ही है ना, x इनवर्स भी तो x का इनवर्स ही है, क्योंकि x इनवर्स जब x से हिट करता है तो 20 आती है, तो फिर x का जो आपके पास है इनवर्स, अगर x इनवर्स है तो x इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, यानी कि x इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, वो असल में ये होता है कि ये वाला, ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा, ये निशान जरा आप कवर कर लें, ये निशान कवर कर लें, इन दोनों को हिट करें, अगर इन दोनों को हिट करने से या बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आ जाती है तो फिर इसका इनवर्स ये होगा, ये टेक्निक होती है, उम्मीद है कि पता लग गया होगा, मैंने अंदर बता ही दिया, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहीं से प्रूव होता है। अब आया क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास जी स्टार ग्रुप है, ठीक है जी, एक्स वाई उसके एलिमेंट्स हैं, तो प्रूव ये करें कि जो एक्स स्टार वाई का इनवर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी वाई इनवर्स स्टार एक्स इनवर्स। ये देखिए इनवर्स जो है ना रिवर्स ऑर्डर में आता है, यहां पे यूं कर लें इसको कि इनवर्स ऑफ द सेकेंड, आगे बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ द फर्स्ट, इसको आप ये कह सकते हैं इनवर्स ऑफ द सेकेंड टाइम्स इनवर्स ऑफ द फर्स्ट, टाइम्स से मुराद यहाँ पे वो बाइनरी ऑपरेशन जो कि ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है। अब रिकॉल करें जब आपके पास मैट्रिसेस होती थी तो आप क्या करते थे, ए बी इनवर्स क्या होता था, बी इनवर्स इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में आता था, याद आया, ए बी आपके पास जब मैट्रिसेस होती थी तो ए बी इनवर्स होता था बी इनवर्स इनवर्स, प्रोवाइडेड कि ए बी इनवर्टिबल मैट्रिसेस हो, वही फार्मूला जनरलाइज हुआ है। अब इसको प्रूव कैसे करना है, ध्यान से सुने, मैंने कहा था कि इस चीज को छोड़ दें, ये आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं टेक्निक है, ये निशान छोड़ दें, इसको इसके साथ हिट करें, लेफ्ट से भी राइट से भी अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो इसका मतलब है कि x स्टार y का इनवर्स इसके बराबर है, ये मैंने आपको बता दिया, फिर सुन लें, ये निशान छोड़ दें इस चीज को, x स्टार y को इस निशान के बगैर, यानी कि इनवर्स के निशान के बगैर इससे हिट करें, लेफ्ट से राइट से अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो इसका मतलब है कि x स्टार y का इनवर्स इसके बराबर है। है ये रिवर्स ऑर्डर में, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये आगे लेक्चर्स में यूज होने हैं। अब वो कहता है ओनली राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि x1 स्टार x2 स्टार x3 सो ऑन स्टार xn, उसका इनवर्स क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा xn इनवर्स स्टार xn माइनस वन इनवर्स स्टार, करते 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 एंड में आ जाएगा स्टार x1 इनवर्स, ये भी मैंने बोल दिया। ये देखिए मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफर्टेबल रहें, असल में तो आपने करना है, लेकिन चले मैं इस तरह के हिंट्स दे रहा हूं क्योंकि जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझसे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन है जो वैसे देख रहे हैं वो ज्यादा बेचारे ये करते हैं कि YouTube पे कोई कमेंट लिख देते हैं, वहां पे कमेंट वहां पे मतलब है कि टाइप कर देते हैं और जब मुझे मौका मिलता है तो वहां बता देता हूँ, लेकिन जारी बात है कि इस तरह से नहीं ना फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, और ये इस तरह से मतलब है कि मैसेज भी इस तरह से ऑडियो मैसेज एक्सचेंज नहीं होते, तो मैं इस तरह ये हिंट्स दे देता हूँ कि आप लोग कंफर्टेबल रहें। आया जी क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है इज इट पॉसिबल टू सॉल्व ए प्लस एक्स इक्वल टू बी इन अ सेमी ग्रुप अंडर एडिशन। अब आप कहेंगे ये क्या क्वेश्चन है, हर कोई जानता है जी x की वैल्यू b माइनस a बनती है, आप जरा ध्यान से देखें, वेरी सॉरी टू से ये भी रटवाया जाता है कि जी a उधर जाके जो होता है ना माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो वहां माइनस हो जाता है, असल में माइनस a दोनों तरफ ऐड किया जाता है, माइनस a दोनों तरफ ऐड करते हैं तो a माइनस a जीरो हो जाता है और यहाँ पे माइनस a आ जाता है, होता ही है, लेकिन माइनस a क्या है, माइनस a इस a का एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इसलिए कह रहा हूं कि एडिशन है, एडिशन है। अब आप बताएं क्या एडिटिव इनवर्स सेमी ग्रुप में होता है, नहीं, तो इसका क्या आंसर आया, इज इट पॉसिबल टू सॉल्व ए प्लस एक्स इक्वल टू बी इन अ सेमी ग्रुप अंडर एडिशन, आंसर आया नो, नो, ओहो मुझे भी गुस्सा आ गया, वो भी गुस्सा कर रहा है, बहरहाल ओ भाई समझ गए ना, गुस्सा ना करो, अच्छी बात नहीं गुस्सा करना, समझ गए स्टूडेंट्स, तो ये देख लें जब कहते हैं जी कि ग्रुप थ्री का क्या फायदा है, आप देखें ये सिंपल लीनियर क्वेश्चन, अगर ये ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं है तो आप इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऐड क्या करेंगे लेफ्ट और राइट पे, तो देख लें अगर ग्रुप होगा ना ये, अगर ये ग्रुप होगा, अगर ये ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे तो ग्रुप में तो सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, सेमी ग्रुप में नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी, तो मैं खुद आ गया, हाँ जी हैं कोई क्वेश्चंस, आप कहेंगे सर क्यों नहीं होंगे, क्वेश्चंस तो आपने पूछ लिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैंने हिंट्स भी दिए हैं लेकिन फिर भी पूछ लीजिएगा जहां मसला हो। बहुत शुक्रिया, बग्स बनी की तरह द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 4, गुड बाय हो गया, अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5 में, अल्लाह हाफिज़।